नमस्कार। अब इस वीडियो में हम आपसे सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि जो कि अग्नि तत्व और जिसके कारक सूर्य होते हैं, सूर्य के प्रभाव में ही पूरी पृथ्वी चलती है, ये आपको मैंने कई बार बताया। सूर्य अगर प्रबल हो तो आदमी को सब कुछ मिलता है, और सूर्य अगर कमजोर हो तो आदमी को सब प्राप्ति में थोड़ी सी कमी हो जाती है। सूर्य के कारण ही शरीर, सूर्य के कारण ही आत्मा, सूर्य के कारण ही हड्डियां, सूर्य के कारण ही पिता, सूर्य के कारण ही पुत्र, सूर्य के कारण ही यश भी होता है। तो इन सभी चीजों का विचार सूर्य से करते हैं। वैसे तो बात करने लगे तो बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन फिर भी जब इस वर्ष का 2023 का राशि प्रवेश हो रहा है, उस समय पर अश्विनी नक्षत्र है और चंद्रमा मेष राशि में राहु के साथ में बैठ गए हैं, भाग्य भाव में, आपके नवम भाव में। और आपका जो राशि सूर्य है वो अभी पंचम भाव में बुध के साथ में स्थिति है, तो ये आपकी बहुत अच्छी स्थिति है और हर प्रकार से आपके लिए शुभ है। वैसे जब हम स्वास्थ्य की बात करेंगे, सिंह राशि वालों के लिए, तो 14 अप्रैल को जब सूर्य मेष में जाएंगे, उस समय पर उनकी युति राहु से हो जाएगी और शनि जो कि कुंभस्थ रहेंगे वो भी चारों चरण से देखेंगे सूर्य को। इस समय पर आपको स्वास्थ्य के लिए थोड़ी सी सावधानी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। इसके साथ जब 17 अक्टूबर से तुला में जाएंगे सूर्य, उस समय भी करीब करीब 12 दिन उनकी युति केतु के साथ में होगी, उस समय पर भी थोड़ी सी शरीर के प्रति सावधानी बहुत आवश्यक है। 29 अक्टूबर से राहु और केतु जब क्रमशः मीन में और कन्या में चले जाएंगे, फिर स्थितियां बदलेंगी और तब आपके लिए बहुत शुभ होगा। अगस्त के महीने में भी जब सूर्य सिंहस्थ होंगे वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हर प्रकार से वर्ष आपके स्वास्थ्य के लिए शुभ है। जब तक कि ये दो महीना अगर आपका अच्छा निकल गया तो हर तरीके से आपके लिए अच्छा होगा। इन दो महीनों में आपको स्वास्थ्य के प्रति अधिक सावधानी रखनी चाहिए। शिक्षा के लिए आपका बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्य जो है वो विद्या के कारक होते हैं, बृहस्पति वो भी विद्या के कारक होते हैं, तो उनकी पूर्ण दृष्टि आपके पंचम भाव पे है, तो हर प्रकार से शिक्षा के लिए अच्छा है। अगर आप शिक्षा के लिए कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो वो भी आपका समय बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र के लिए आपके तो दशम भाव में ही मंगल बैठ गए, तो जो बहुत ही अच्छा है। प्रमोशन के बहुत शुभ योग बन रहे हैं आपके, और अभी जब मिथुन में जाएंगे मंगल कर्क में और फिर जब वो सिंह में आ जाएंगे 30 जून से, उस समय तो बहुत ही शुभ समय आएगा और उच्च पद की भी प्राप्ति आपको होगी। आप हैं तो बहुत ही कर्मठ, बहुत ज्यादा कर्मठ, लेकिन आपके पीछे जो लोग लगे रहते हैं आप उनको पहचान नहीं पाते हैं। आप अपनी तरह से सब काम को करते रहते हैं, लेकिन जो पीछे लगे हुए आदमी हैं वो आपको हमेशा ही परेशान करते रहते हैं। आप तो हमेशा चलते ही रहिए, जो परेशान करने वाले हैं उनको उनके ऊपर में ही छोड़ दीजिए। अब बात करेंगे स्पाउस की, तो देखिए अभी तो आपके शनि चल रहे हैं छठे मकर में, फिर माह के अंत तक वो कुंभ में जाएंगे और फिर जब 13 फरवरी से सूर्य कुंभस्थ होंगे, उस समय जो शनि और सूर्य एक साथ में रहेंगे, उस समय पर पारिवारिक सुख का बहुत अच्छा सामंजस्य का बहुत अच्छा योग है और आप लोगों में मैत्री भी बनी रहेगी। संतान के लिए भी आपका समय बहुत अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति अभी तो उनको देख ही रहे हैं और जब वो 21 अप्रैल से जब वो मेष में जाएंगे
भले ही वो राहु के साथ में हो फिर भी पुण्य दृष्टि उनकी संतान भाव पे और राशि पर होगी, तो हर तरीके से संतान के लिए शुभता आएगी। और आपका तो संतान से प्रेम है ही बहुत, आप बहुत ही पारिवारिक व्यक्ति हैं और सबका ध्यान आप रखते हैं। पेरेंट्स के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आप उनको भी देखते रहते हैं और उनके लिए आपका अच्छा समय भी है। आप सबको ही देखते हैं इसलिए आपको सब प्यार भी करते हैं, भले ही पीछे में कुछ बोलते हो। इसके साथ ही धन प्राप्ति का आपका योग बहुत अच्छा है। बृहस्पति आपके धन के लिए बहुत ही शुभ है, मंगल भी आपके धन के लिए बहुत शुभ है और ये घर आपका भरा पूरा है धन के लिए, आपको कभी भी कोई कमी नहीं होगी। अगर आपको ऐसा लगेगा कि आज मेरे पास में धन नहीं है तो कहीं ना कहीं से आपको वर्ष पर्यंत धन मिलता ही रहेगा और इसके कारण आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा। विदेश गमन का भी आपका बहुत ही अच्छा समय है, सूर्य जब मकर में जाएंगे उस समय भी और सूर्य जब मीन में जाएंगे उस समय भी, मकर में 14 जनवरी से और मीन में 14 मार्च से जब जाएंगे सूर्य उस समय पर भी, और जब वो मेष में जाएंगे उस समय पर भी आपकी विदेश यात्रा के बहुत ही अच्छे योग बनते हैं और आप शिक्षा के लिए भी जा सकते हैं और कार्य के लिए भी आप जा सकते हैं। और आपके अंदर में जो क्वालिटी है लोगों को साथ में लेकर के चलने की, वो बहुत ही अच्छी बात है। आप सबका ध्यान रखते हैं तो बहुत ही आपके लिए शुभ फल होगा। अब आध्यात्म की बात करते हैं तो सूर्य तो आध्यात्म का ही कारक होता है, सूर्य के प्रभाव के कारण आध्यात्मिक सुख बहुत अच्छा होता है आदमी का। और बृहस्पति और सूर्य दोनों ही आध्यात्म के लिए शुभ हैं, तो आध्यात्म का आपका बहुत अच्छा समय है। आप जितना भी चाहें उतना भी आप आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं। मानसिक सुख आपको बहुत है, हालांकि आप इसके बारे में कुछ सोचते नहीं, आप अपना कर्तव्य करते रहते हैं, मानसिक परायण आप कर्तव्य के प्रति करते रहते हैं और इसके कारण आप अपने मन से सुखी रहते हैं। अब जो ग्रहण होगा आश्विन शुक्ल में चंद्रमा का, उसका भी असर आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप ध्यान रखें जब जब भी सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो उस समय पर सूर्य और चंद्रमा इन राशि वाले को हमेशा ही कष्ट ही होता है, इसलिए उस समय आपको सावधानी बहुत आवश्यक है। आप वर्ष पर्यंत बंधुक पुष्प संकासम हार कुंडल भूषणम एक चक्र धरम देवम त्वाम सूर्यम प्रणमाम्यहम्। सूर्य की साधना करते रहे आप, सूर्य आपके कारक हैं, आपकी आत्मा के भी कारक हैं। सूर्य को जहाँ तक हो सके तांबे के लोटे से वर्ष पर्यंत जल का अर्घ भी देते रहे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। आप अपने परिवार के साथ में मित्रों के साथ में देखते रहे वीडियो और जो भी अगर आपके मन में कोई बात हो तो आप पूछ भी सकते हैं। इसके बाद में मैं आगे के वीडियो में कन्या राशि के विषय में बताऊंगी, तो आप देखना न भूलें। तब तक नमस्कार।